नमस्कार, मैं हूं दिवांशी मोइत्रा। बीते दिन काफी धूमधाम से देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया गया। दिवाली के दिन पूरा देश पटाखों की शोर से गूंज उठा। वहीं इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS के मुखिया अबू बकर अल बगदादी पिछले 5 सालों से छिपा हुआ था। कई बार उसे तलाशा गया और कई बार उसकी मौत की खबर भी सामने आई। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी सेना ने बगदादी को अपना निशाना बनाया हुआ था। वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना ने बगदादी को मार गिराया है। Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. The United States has been searching for Baghdadi for many years. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration. जहां एक तरफ बगदादी की मौत की खबरें आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ दिवाली के त्योहार पर मोदी के खिलाफ बोलने वाली न्यूज एंकर आरफा खानम ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापना शुरू किया और ट्वीट करते हुए लिखा, दिन 84, नहीं कश्मीर, हम आपको नहीं भूले हैं। इस दिवाली आप हमारे विचारों और प्रार्थनाओं में हैं। हम आपके लिए चिराग एक दिया जला रहे हैं। बरबर लॉकडाउन के अंत और जल्द ही आपके जीवन में प्रकाश की वापसी की उम्मीद, इंशाल्लाह। दरअसल उन्होंने ये ट्वीट कश्मीर में लगे कर्फ्यू को लेकर किया था, लेकिन इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि वहां के हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो गए हैं। हर कुछ दिन पर मोदी और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाली आरफा खानम के इस बयान पर फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित कुछ ना कहें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनके ट्वीट पर अशोक पंडित ने टिप्पणी करते हुए लिखा है, आपका अब्बा बगदादी आज अमेरिका में मारा गया है, फोड़ो पटाखे और मनाओ दिवाली। तो आप देख सकते हैं कि आरफा खानम के कश्मीर वाले बयान पर अशोक पंडित इतने भड़क गए हैं कि उन्होंने बगदादी को ही उनका अब्बा बता डाला। वैसे आपको बता दें कि अशोक पंडित अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने आरफा खानम को निशाना बनाया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. The United States has been searching for Baghdadi for many years. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration. U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style. He will never again harm another innocent man, woman, or child. He died like a dog. He died like a coward. The world is now a much safer place.